नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में अब सरकारी नौकरियां पाने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबरें निकल निकल कर सामने आ रही हैं। लगातार सरकार इस ओर अग्रसर है कि किस प्रकार से बिहार के युवाओं को नौकरी प्रदान की जाए, और वैसी ही खबरें हम आपको लगातार आप तक पहुँचा भी रहे हैं कि सरकार ने कौन से विभाग में कौन सी भर्ती निकाली है और किस विभाग में कितनी वैकेंसीज अब भरने जा रही हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए हमारे साथ कि इस बार किस विभाग में 30,000 पदों को भरे जाने की, यानी कि 30,000 पदों पर बहाली की जाने की प्रक्रिया जो है अब वो तेज की जा चुकी है। बिहार में मैट्रिक इंटर पास युवक युवतियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में लंबे समय से खाली ग्रुप डी के पदों पर बहाली की तैयारी तेज हो गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जिला अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों से इसके लिए जानकारी मांगी है। अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी हैं, जिनकी गिनती चल रही है। सभी जिलों और राज्य स्तरीय कार्यालयों से जानकारी मिलने के बाद रिक्तियों की संख्या 30,000 के लगभग रहने का अनुमान है। अगले महीने इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी निकाले जाने की बात की जा रही है। ग्रुप डी के अंतर्गत मुख्यतः कार्यालय परिचारी यानी कि दरबान के पदों पर नियुक्ति होगी। लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में राज्य सरकार के हर कार्यालय में ये पद खाली है। एक अनुमान के अनुसार सभी जिला अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में रिक्त पदों को मिला ले तो ऐसे पदों की संख्या लगभग 35,000 होगी। इनमें से लगभग 30,000 रिक्तियों के आने की संभावना है, जिन पर नियुक्ति होनी है। इस संबंध में बीएसएससी के सचिव ने कहा है कि 29 जिलों से अधियाचना आयोग कार्यालय को मिल चुकी है। अन्य जिलों से इसके आने की प्रतीक्षा की जा रही है और सभी कार्यालयों से रिक्तियां आने के बाद ही जल्द इसका विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सरकारी नौकरी और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अब सरकार इस मुद्दे पर काफी गंभीर दिख रही है। नतीजा ये है कि नई बहालियों के साथ साथ पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को भी अब गति देने की कोशिश शुरू कर दी गई है, और यही कारण है कि अब वैसे युवा बिहार के जो कि रोजगार की तलाश कर रहे थे और रोजगार की तलाश में बिहार को छोड़कर अन्य प्रदेशों में जाकर वास कर रहे थे, उन्हें बिहार में ही रोजगार मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए सरकार, जैसा कि हमने आपको बताया कि कई वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, तो वहीं कई ऐसे पद जो रिक्त खाली पड़े हुए हैं, कई हजार पद जो रिक्त खाली पड़े हुए हैं, उनको त्वरित भरने की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है। और जिस विषय पर हम इस वीडियो में आपसे बातचीत कर रहे थे, इसकी अगर हम बात करें, ग्रुप डी के 30,000 पदों की अगर हम बात करें, तो इसको लेकर अगले महीने विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो आप भी अगर मैट्रिक और इंटर पास किए हुए हैं तो तैयार रहें इस नौकरी के लिए, और आपको रोजगार बिहार के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, रोजगार बिहार में ही मिल जाएगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि ये जो कहा जा रहा है कि ग्रुप डी के 30,000 जो पद हैं वो भरे जाने वाले हैं, इसको लेकर बहाली होने वाली है, तो ये कब तक विज्ञापन निकल पाता है और विज्ञापन निकलने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई क्या होती है, आगे का प्रोसेस क्या होता है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।